तो हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई ऐसा सांप घुसा हुआ है। अब देख सकते हो इस यहाँ पे करचल कैसा पहाड़ में यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे कई हाथी आके घर भी नष्ट कर देते हैं। कौन जाकर था तो अभी देख सकते हो, मतलब रोसी रूम में ऐसे ऐसे लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करते हैं ताकि सांप पकड़ते हैं। तो कहाँ, मतलब जैसे टाइप का गरीबी है तो ए बम। अरे 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 भैंस ने खा क्या अभी? नहीं 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 बम्बू पिटवाई तो मेरे को पहले लगा जैसा भैंस ने खाए, पर वो नहीं है, बम्बू पीट वाइपर है। गरीब हमारी। तो ये बहुत पहाड़ी एरिया में पाया जाता है सब सांप। मैं इस सांप को बाहर लेके जाता हूँ। ये लोग का सुबह से खाना मतलब नहीं पका हुआ है। अब ये देख सकते हो चूल्हा। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर से आना पड़ा, तो इसको थोड़ा सा मैं बाहर लेके जाता हूँ। ये मतलब बहुत खतरनाक सांप है ये। नहीं 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 तो इसका नाम बम्बू पीट वाइपर है। मतलब ये गच में रहने वाला है, मतलब गच में ये कभी कोई छोटा चिड़िया या अंडा ये खाता है। तो ये इस सांप के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको, क्योंकि रसल वाइपर में जो जहर पाया जाता है इस पर वो जहर आता है। इसमें बहुत कम आदमी डेट किया है, इसका रिकॉर्ड बहुत कम है, क्योंकि रसल वाइपर का जो जहर होता है बहुत खतरनाक होता है। इसका भी जहर खतरनाक होता है। कभी कभी कोई सांप को अगर सादा ऐसा बिना जहरीला वाला अगर सांप काट लेता है लोग भी, तो भी उसमें डेड कर जाते हैं। कोई भी सांप अगर काट लेता है तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल का सहायता लिए। तो इस जगह मैं आता हूँ, कभी अजगर पकड़ता हूँ तो कभी किंगोरा पकड़ता हूँ, कभी रसल वाइपर पकड़ता हूँ तो कभी कोबरा पकड़ता हूँ। क्योंकि जंगल एरिया है ना, ये पूरा अभी स्प्रिंग का रकम मतलब ये बैठ गया है। अरे बाबा रे,
इस सांप का जीभ बार बार निकालने का इसका भी बहुत सूंघने का शक्ति रहता है, मतलब ये कभी कभी बाइट करता है। अच्छा ये तो मैं गान आता कौन पौड़ा सही डिस्ट्रिक्ट कोई पर बालेश्वर उजुला ना ये देख लंगड़ा एक बात छिलो धन आलो आलो सांप का देखिए मैं इसका पूछ दिखाऊंगा, इसका पूछ में इतना ताकत है ये पूछ में ही पकड़ के ये उड़ जाएगा। अभी गच में उठने का बहुत ज़्यादा माहिर है। ये देखिए इसका खासियत, हल्का से जो छोटा पूछ है ना वो छन लेगा इसको, बैन कर लेगा, उसके बाद में गच में ऐसा झूला रहता है, कोई भी अगर जीव जंतु जाते हैं तो पक से उसको शिकार कर लेता है। ये तो ये वार कर भी सकता है, देखो इसका उठने का देखिए, अब इसका देखिए इसका इसका चीज देखिए अपने आप, मतलब ये तो बहुत सारा YouTube में प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप चैनल खोल के देखें, जो भी हमारा सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइबर कर दीजिए। बहुत लोग मतलब देखते हैं बोलते हैं कि वीडियो नहीं आता है, क्यों सब्सक्राइबर रखें, क्योंकि नहीं भाई हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैनल को खोल के देखें ताकि फिर आप सांप के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। बम्बू पिटू पर जो जंगल जंगल में रहता है सांप। चलो खर्च करके मारे हो। हाँ जहरीला सांप, सांप काटने से सीधा हॉस्पिटल जाने का, कोई मतलब फुकझाड़ में नहीं, सीधा हॉस्पिटल। तो इसका बम्बू पिटू एक काठी दोनों, इसका जरा दांत देखते हैं। मैं तो पहले बार इसको पकड़ा हूँ, फिर भी मैं इसका दांत चेक कर लेता हूँ। इसका दांत आप देखिए, इसका दांत देखिए रसल का दांत, और इसका दांत देखिए आप कितना लंबा दांत है, देखिए दांत देखिए ना। तो चलो धरो कपड़ा, धरो नहीं कपड़ा डिब्बा रख दो ना। तो ऐसा हाथ में रेस्क्यू करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं। जितना भी बड़ा एक्सपीरियंस रहे सांप के आगे जीरो। तब आप अपना ख्याल रखिए। तो मैं रख रहा हूँ, जय हिंद जय भारत।